दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त आपके बीच में, आप सभी को पता है डीएलएड एडमिशन के लिए जो फोर्थ चरण की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, कल बात करें हम, देर शाम को जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। उसके पीछे क्या कुछ कारण है, यहाँ देख पा रहे हैं थंबनेल आपके बीच में, कुछ आंकड़े फर्स्ट फेज के निकल कर आ रहे हैं, यानी कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, सब कुछ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। यहां देख पा रहे, 98,440 सीटें हुई आवंटित। जाहिर सी बात है 98,440 सीटें कब तक आवंटित हुई हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और यहां 4,521 यानी 4,500 जो टोटल फॉर्म हैं 21, ये आपके आवेदन अभी तक के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। आगे देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है 1,34,910 सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई है डीएलएड एडमिशन के लिए। मैंने आपको कल शाम का वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने आपसे यह स्पष्ट रूप से बताया था कि कम से कम 1,30,000 सीटें जो है 1,34,000 सीटें खाली रहने के 100% अनुमान लगाए जा रहे थे। और बिल्कुल मेरे दोस्त अनुमान एकदम एग्जैक्ट जाके निकला है कि टोटल 1,34,910 एक मान कर चलते हैं कि 35,000 सीटें, 1,35,000 सीटें खाली हैं अभी भी, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं 5,000 का पेमेंट आप कब तक करेंगे, जिन्हें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है वो कब तक करेंगे एडमिशन, वो 5,000 पेमेंट लास्ट डेट, इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ सेकंड फेज काउंसलिंग व डायरेक्ट एडमिशन, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में जो फर्स्ट फेज का आंकड़ा है आपके बीच में मैंने शेयर किया है, टोटल 98,440 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो चुका है, यानी जो 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया कराई गई, इनमें से 98,440 अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अभी हालांकि इतने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, इतने लोगों ने सिर्फ 10,000 का पेमेंट किया है। अब एडमिशन कितने लोग लेंगे, ये चीज़ें 17 अक्टूबर के बाद निकल कर आएंगे, ठीक है। आगे यहाँ देख पा रहे हैं, इतने अभ्यर्थियों के सापेक्ष टोटल जो आवेदन आपके निरस्त किए गए हैं वो 4,521 आवेदन जो है अभी तक के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में जो सीटों का विवरण है, 1,34,910 सीटें अभी भी खाली हैं। एक अपडेट्स हम दिखाना चाहेंगे, ये देख पा रहे हैं आपके बीच में अपडेट्स है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि डीएलएड 98,440 को कॉलेज आवंटित, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है जो है डीएलएड शिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए फर्स्ट फेज के चौथे और आखिरी राउंड का कॉलेज आवंटन शुक्रवार को जारी हो गया। 1 से 2,40,000 रैंक तक वाले में 42,117 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया था, इनमें से 37,596 अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन किया गया। और यहाँ देखिए 4,521 के आवेदन निरस्त कर दिए गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितने लोगों ने विकल्प दिया था, विकल्प देने वालों की जो संख्याएं थी यहाँ देख पा रहे हैं, चार जो है 42,117 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया। और यहाँ आवंटित कितने लोगों को कॉलेज हुआ, 37,596 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ। अब इसी 42,117 अभ्यर्थियों में से 4,521 यानी 4,121 आवेदन ऐसे थे जो निरस्त कर दिए गए। अच्छा, यहाँ आगे देखिए कहा जा रहा है, प्रथम चरण के चारों राउंड के बाद जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के 9,435 व निजी कॉलेजों में 89,005 यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 98,440 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना प्रशिक्षण संस्थान 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में को देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज भी आपके यहाँ डायट की सीटें खाली हैं। आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे कि सिर्फ 15,000 तक के जिनके भी रैंक है उन्हीं को डायट मिलेगा। जी हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा था, लेकिन इस कदर एडमिशन की स्थिति गड़बड़ हो गई, ये चीज़ें किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है। अब जिनकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है उनको भी डायट मिलने के पूरे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ मैं और भी जो आपके कमेंट आ रहे थे इस पर हम चर्चा करते हैं। आपने यहाँ देख लिया टोटल कितने लोगों ने, 98,440 लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लिया है, और यहाँ अभी भी वर्तमान समय के लिए 1,34,910 सीटें आज भी आपकी खाली हैं एडमिशन प्रक्रिया के लिए। सवाल उठता है कि आखिरकार 5,000 का पेमेंट हम कब तक करें, यहाँ भी चीज़ें वही हो गई हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5,000 पेमेंट की जो अंतिम तिथि है, 5,000 पेमेंट और प्लस आपके एडमिशन की, जिन्हें कॉलेज अलाट हो चुका है उनके एडमिशन की जो अंतिम तिथि है भैया वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक अगर आप एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन जो है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। निरस्त होने का मतलब आपको अगले फेज में कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपने 5,000 रुपये दो बार पेमेंट किया है वो 5,000 रुपये परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जब्त कर लिया जाएगा, वो आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए समय से पहले आप जो है कॉलेज आवंटित जो हुआ है कन्फर्मेशन शुल्क 5,000 जमा कर दीजिए, और 5,000 तो आपने काउंसलिंग शुल्क पहले ही जमा किया है, दोनों फीसें जमा करके आप एक तो पहले ही जमा कर दिए, सिर्फ 5,000 रुपये आपको जमा करना है। आप जमा करके भैया प्लीज़ जो है अपने एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिए। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए जो है एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, पैड कोर्स है। ठीक है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स आपके उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपको डीएलएड की क्लासें लेनी है और आपको जो है नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल महज आपके लिए 220 रुपये शुल्क रखा गया है। आप पेमेंट करके जो है सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आपके लिए, उस पर मैंने कहा है अगर आप उस पीडीएफ जो है उस नोट्स को प्राप्त करते हैं तो नोट्स के साथ साथ मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और यहाँ ये चीज़ें तो आप समझ गए, बात करते हैं हम जो है सेकंड फेज काउंसलिंग की। अब जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया सेकंड फेज काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, अब आज तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 100% सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी, क्योंकि यार 1,34,910 सीटें खाली होना ये बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, 100% जो है सेकेंड फेज की काउंसलिंग जो है 26 अक्टूबर से मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्टली कराई जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। अब आप कह रहे थे कि सेकंड फेज में कितनी सीटें भर सकती हैं, तो सेकंड फेज में मानकर चला जा रहा है कि 65,000 सीटें, 60-65,000 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगी। ठीक है, और अगर 60-65,000 एक मोटा आंकड़ा मानकर चला जाए कि 70,000 सीटें भरेंगे, 70,000 से ज़्यादा सीटें नहीं भरेंगे, फिर भी आपके लिए 65-70,000 सीटें डायरेक्ट एडमिशन के लिए बचेंगे। ये 100% उम्मीद है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो आप कह रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, 101% मैं दावा करता हूं कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। और कब होगा? सेकंड फेज काउंसलिंग जब आपकी समाप्त होगी तो उसके बाद होगा, इसके पहले डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।